तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन कैनन फैन मेड करेक्टर्स के बारे में। तो आज के करेक्टर्स एकदम भयानक और खतरनाक होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब, उस वीडियो को लाइक कर देना। तो आपको पता होगा मैंने कम्युनिटी पोल डाला था कि हमारे चैनल पर एक बिग प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आप वो बिग प्रोजेक्ट बस दो दिन में या फिर एक दिन में ही आ जाएगा। और इस बिग प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको रिवील कर देता हूँ, उसका नाम है फिक्शन वॉर। तो आप समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि इस फिक्शन वॉर में क्या क्या होगा। तो हाँ, हम आज अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नॉन कैनन जो फैन मेड करेक्टर निकल के आता है वो है ओमनी एंजल गोकू। जिनको ओमनी एंजल गोकू के बारे में नहीं पता, तो ओमनी एंजल गोकू गोकू का ही एक बहुत खतरनाक फैन मेड वर्जन है, जिसमें गोकू एकदम ईवल हो जाता है और उसके अंदर एंजल्स की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती हैं। गोकू टोटली गॉड बन जाता है और वो चाहे तो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस फॉर्म में गोकू एक नाई ओमनीपोटेंट बींग बन जाता है। गोकू किसी को भी डिस्ट्रॉय और किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है। गोकू के पास अपनी ईवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होती है जो कि पर्पल कलर की होती है। और इस फॉर्म में गोकू का डिज़ाइन एकदम कूल, एकदम रैप्चिक डिज़ाइन होता है इस फॉर्म में गोकू का। और गोकू इस फॉर्म में काफ़ी खतरनाक भी होता है। अगर इस फॉर्म में गोकू कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इस फॉर्म में गोकू के पास है मैटर, सोल, पावर, सुप्रीम स्ट्रेंथ, स्पीड, इस सब की उसके पास पावर है। चाहे तो वो हर टाइप के मैनिपुलेशन की चीज़ कर सकता है, हर टाइप की काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाल एकदम सफ़ेद बन जाते हैं, उसके पीछे टेल आ जाती है जो कि तीन तीन टेल आती है और जो कि मैकेनिकल टेल होती है। तो अब जाते हैं अगले नॉन कैनन करेक्टर्स के ऊपर, जो कि है सुपर सेन इन्फिनिटी ब्रोली। जिसके साथ आपने सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, पर यह सुपर सेन इन्फिनिटी ब्रोली, जिसमें ब्रोली जो है वो सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को अनलॉक कर लेता है और बन जाता है द न्यू गॉड। तो इस फॉर्म में जब सुपर सेन इन्फिनिटी गोकू अपने सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर तभी ब्रोली सुपर सेन इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव कर लेता है और बन जाता है न्यू गॉड। इसकी पावर जो है वो सारी की सारी सुपर सेन इन्फिनिटी से मैच करती है, पर ये सुपर सेन इन्फिनिटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं और ग्रीन कलर के हैं। इस फॉर्म में अपना सुपर सेन इन्फिनिटी ब्रोली ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बन जाता है। वो किसी भी मल्टीवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो ओमनीवर्स को कैजुअली डिस्ट्रॉय करता है, इसके ओमनीवर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। ओमनीवर्स को वो कैजुअली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके पास भी वो सारी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो कि मैंने आपको सुपर सेन इन्फिनिटी के बारे में बताई थी। जिनको नहीं पता कि सुपर सेन इन्फिनिटी कौन है, तो मेरे चैनल पर सुपर सेन इन्फिनिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। अब जाके लिखिए हर शब्द सुपर सेन इन्फिनिटी, तो आपको वहाँ जाके बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब चलते हैं नए अपने दूसरे नॉन कैनन करेक्टर्स के ऊपर, जो कि अपना द गॉड फ्यूजन गोकू। तो गॉड फ्यूजन गोकू के मैं आपको ओरिजिन के बारे में बताता नहीं पाऊंगा, पर मैंने गॉड फ्यूजन गोकू के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलो मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये एक रियल लाइफ करेक्टर है, जो कि जब बहुत सारे बंदे ऑडियंस बैठ के ड्रैगन बॉल की मूवीज देख रहे थे रियल लाइफ में, पर तभी ब्रोली जो है वो गोकू को पंच मारता है, गोकू थिएटर की शीशा फाड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ के ऑडियंस के साथ फ्यूज बन के बन जाता है द गॉड फ्यूजन गोकू और ब्रोली को काफ़ी ईजिली डिफीट कर देता है। और ये फॉर्म बियॉन्ड ओमनीपोटेंट, बियॉन्ड ओमनीसिएंट, बाउंडलेस, बियॉन्ड फिक्शन है। तो इस फॉर्म में अपना जो गॉड फ्यूजन गोकू है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी चीज़ को कैजुअली डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओमनी वर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हाइपरवर्स, आउटरवर्स कुछ नहीं इस बंदे के सामने। ये बंदा चाहे तो लाखों जैनों को अकेले ही डिफीट कर सकता है। कहते हैं कि जो ऑडियंस वहाँ बैठी थी, वहाँ 500 ऑडियंस बैठी थी और 400 मतलब एक ऑडियंस भी एक टोरी बोर्ड के बराबर थी। तो मतलब अगर किसी भी बंदे में 500 या 400 टोरी बोर्ड्स की पावर आ जाए तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाए। एक टोरी बोर्ड ही ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट होता है। तो आप मान सकते हो कि ये जो अपना गॉड फ्यूजन गोकू एक बियॉन्ड फिक्शन करेक्टर है। दूसरे करेक्टर्स की बात करें तो वो आता है अपना अल्फा ड्रैगन आर्कॉन। तो आपको आर्कॉन के बारे में पता ही होगा, एक एनिमे वॉर का करेक्टर जो कि फ्यूजन है फाइव इवल गॉड्स का। अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के अगर मैं बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि एनिमे वॉर में ज़ेनू की ट्रू फॉर्म ने अपने आर्कॉन को डिफीट कर दिया था, पर तभी आर्कॉन वहां पर मरा नहीं था, आर्कॉन जिंदा था और आर्कॉन अपनी पावर को इकट्ठा करते गया और बन गया, उसकी एक नई फॉर्म आ गई जो कि अल्फा ड्रैगन आर्कॉन। आर्कॉन इस फॉर्म में टोटली ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है और इस फॉर्म में आर्कॉन बहुत मल्टीपल मल्टीवर्सेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस फॉर्म में अपना आर्कॉन इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो किसी भी बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हाँ,
अल्फा ड्रैगन आर्कॉन के बारे में एक मैं हिंट देता हूँ। ये जो अल्फा ड्रैगन आर्कॉन है, इसका एक छोटा सा क्ल्यू, मतलब छोटा सा नहीं, इसका एक क्ल्यू आपको मेरे मैं जो खुद की सीरीज बना रहा हूँ फिक्शन वॉर, उसमें आपको दिखेगा। तो हाँ, अब जलते हैं आप अपने लास्ट करेक्टर्स के ऊपर। अपना लास्ट करेक्टर जो कि है अपना ओमनी किंग ब्रोली, इसके ब्रोली की एक और फॉर्म, इसमें अपना ब्रोली जो है वो ओमनी किंग के साथ फ्यूजन कर लेता है और बन जाता है ओमनी किंग ब्रोली। इसका ओरिजिन तो अभी तक हमें कोई दिया नहीं गया, पर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ पूरी की पूरी अपने ओमनी किंग, जो अपना सुपर से इन्फिनिटी है ना, उससे बिल्कुल मिलती हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हाँ, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ गाइस, अगर आपको मेरे चैनल पर बुरुटो और नारुतो से वीडियो लेकर चाहिए तो प्लीज़ देखा करो। मैंने कल एक वीडियो डाली जाकि प्लीज़ देखो, प्लीज़ कह रहा हूँ आपसे, विनती कर रहा हूँ देखो। और गाइस हमारे चैनल पर 2K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, बस थोड़ा सा ही रहता है, 200-300-400 रहते हैं सब्सक्राइबर, बस प्लीज़ करवा दीजिए। वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इन हर्षब स्टाइल।